शिमारू के नए वीडियोस के लिए सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। या जलजला लूल वाले क्राम। बोल। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आजा बच्चे अंदर। उस शैतान की बच्ची मुन्नी को मार दिया मैंने। प्रॉब्लम तुम में है, तुम में। احمل علينا إسرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحمل ما لا طاقة لنا به واغفر لنا وارحمنا وارحمنا أنت مولانا أنت فانصرنا على القوم الكافرين इस पूरे विश्व में अच्छे लोग होते हैं तो बुरे लोग भी होते हैं। जहां अच्छाइयां हैं वहां बुराइयां भी हैं। उसी तरह जहां इंसान बसते हैं वहां शैतान भी बसते हैं। शैतान, शायद आप में से बहुत लोग शैतान में यकीन नहीं रखते। आप शैतान में यकीन रखें चाहे ना रखें, मगर शैतान आप में यकीन ज़रूर रखता है। ऐसा मैं नहीं कहती, ऐसा आयशा खान कहती हैं। आयशा खान, जिसकी ये कहानी है। ये कहानी आयशा खान के पति और मेरे सबसे अच्छे दोस्त समीर खान की भी है, सीबीआई ऑफिसर समीर खान। और ये कहानी मेरी भी है। मैं नताशा कपूर, समीर खान एक सुन्नी मुसलमान और आयशा एक शिया मुसलमान। दोनों में प्यार हुआ और दोनों ने परिवार के खिलाफ जाकर शादी कर ली। दोनों ने एक बच्ची गोद ले ली। फिर एक दिन समीर खान ने उस बच्ची की हत्या कर दी। क्यों? क्या बच्ची में शैतान था? क्या समीर खान में शैतान था? क्या हम सब में शैतान है? क्या होता है शैतान? कैसे दिखाई देता है ये शैतान? मैं उसे देखने के लिए बेचैन थी। मैं परवीन सलाउद्दीन से मिलने हॉस्पिटल जा रही हूँ। काइंडली अरेंज इट। थैंक यू। नताशा, तुम एक बहुत बड़ा रिस्क लेने जा रही हो। मिसेस परवीन सलाउद्दीन अभी तक अपने शौक से पूरी तरह से ठीक भी नहीं हो पाई हैं। मेरे सीनियर्स तक अगर ये बात पहुंची तो डू यू नो मेरे साथ क्या क्या हो सकता है? बट वाई द हेल आई एम एक्सप्लेनिंग यू ऑल दिस। तुम एक ज़िद्दी इंसान हो और ये सब जानते हैं। ये रहा कमरा, तुम जाओ बात करो और मैं चला। मैं आपसे मिलने आई हूँ परवीना। तू फिर आ गई? या जलजलालुल वाले क्राम, या जलजलालुल वाले क्राम, या जलजलालुल वाले क्राम। मैं आपसे या जलजलालुल मुन्नी के बारे में कुछ पूछने आई हूँ। बार बार उस शैतान के बारे में पूछने चली आती है तू?
मैं यहाँ चैन से हूँ, बहुत चैन से हूँ। है कोई इस दुनिया में जो शैतान के बारे में बता सकता है, समझा सकता है? नहीं, नहीं। सिर्फ खुदा, सिर्फ खुदा ही उसको काबू कर सकता है। बस वो ही उसको काबू कर सकता है। तेरे मेरे बस की बात नहीं है, नहीं है। चली जाए यहां से। शैतान के बारे में बताया और समझाया नहीं जाता है। चली जा, मैं कहती हूँ चली जा। शैतान है वो, शैतान। दम दम अली पुकारण वाले बन बन जान कलंदर, रब भी उनानु मिलदा है अली जिना दे अंदर। दम दम अली पुकारण वाले बन बन जान कलंदर, रब भी उनानु मिलदा है अली जिना दे अंदर। पंजतन से मोहब्बत है इश्काले मोहम्मद से, उस पाक घराने के दीवाने हैं हम लोगों। मिन्नत गश दुनिया है जिस दर की जिस घर की हो, मिन्नत गश दुनिया है जिस दर की जिस घर की हो। पंजतन से मोहब्बत है इश्काले मोहम्मद से, उस पाक घराने के दीवाने हैं हम लोगों। मिन्नत गश दुनिया है जिस दर की जिस घर की, मिन्नत कश दुनिया है जिस दर की जिस घर की। निसा 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 रे रे सारे, निसा 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 रे रे सारे, सारे का रे का रे का पमगरदा, सारे का रे का रे का रे पमगरदा, सारे निसा सारे निसा सारे रे सारे, निसा सारे 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 सोना शामिल, जैसे पीर कोई हो कामिल। कुटिया कोट अटारी खंडर जैसे रेत में सोना शामिल, जैसे पीर कोई हो कामिल। दमादम मस्त कलंदर, दमादम मस्त कलंदर, दमादम मस्त कलंदर, अली दा पहला नंबर। Yes? आयशा जी? जी हाँ, पर आपको पहचाना नहीं मैंने। मैं नताशा, आप डेली पायनियर के चीफ न्यूज एडिटर। घर तक आ गई आप, मैंने फोन पे मना कर दिया था कि मुझे कोई इंटरव्यू नहीं देना। मेरी बात तो सुने आप। क्या बात सुनूं मैं आपकी? आप न्यूज वाले लोग पहले तो किसी का दुख बहुत ही मजे लेकर सुनते, फिर उसी दुख को पब्लिश करके उसके न्यूज पेपर की सेल के लिए मजाक बना के रख देते हैं। आपको मालूम है ना कि मेरा केस कोर्ट में है, द मैटर इज सब्जुडाइज, बेल पे है मेरे हस्बैंड, और मेरे साथ जो बीती है ना आपका कानून तक उसे समझ नहीं सकता। आप जाइए यहाँ से प्लीज। आयशा जी बात को समझने की कोशिश कीजिए। मेरा न्यूज़पेपर स्कूप्स और गॉसिप का मोहताज नहीं है, और ना ही मुझे अपना न्यूज़पेपर चलाने के लिए आपकी कहानी की जरूरत है। इस वक्त जो आपके घर पर बीत रही है वही मेरे घर पर भी बीत रही है। मेरा छोटा भाई आयशा जी, मेरा छोटा भाई जो कि सिर्फ और सिर्फ 19 साल का एक लड़का है, अचानक 50 साल के मर्द की आवाज में बंगाली भाषा में बातें करने लग जाता है।
डॉक्टर्स की रिपोर्ट सब नॉर्मल है। आपको पता है पहले हम सारे घर वाले ये समझ रहे थे कि वो नॉर्मल है, मजाक करता है, मगर ऐसा नहीं था आयशा जी, ऐसा नहीं था। वो अजीब अजीब हरकतें करने लग गया। अजीब अजीब हरकतें? हाँ जी हाँ। जिस लड़के को मछली की बू से नफरत थी वो दिन में 6-6 बार मछली खाने लग गया, और वो भी कच्ची मछली। भूत प्रेत काला जादू सिर्फ आपके धर्म का हिस्सा नहीं है आयशा जी, यू आर एन एजुकेटेड वुमन। जब मेरे न्यूज़पेपर में आपकी खबर छपी थी कि आपकी गोद ली हुई बेटी का कत्ल आपके पति ने कर दिया, और आपके पति के अरेस्ट होने के पहले ही बेल भी हो गई थी, मैं तभी समझ गई थी कि मामला तो कुछ और है। मैं बड़ी मुश्किल से आपको ढूंढकर आपके पास आई हूं आयशा जी, एक उम्मीद के साथ। ये उम्मीद कि शायद आपकी कहानी सुनकर मैं अपने छोटे भाई को बचा सकूं। मैं आपके भाई के लिए दुआ करूंगी। आइए आप अंदर आइए। मैं आपको बताना भूल गई कि मैं परवीन आपा से भी मिलके यहाँ आई हूँ। अच्छा, अभी कैसी तबीयत है उनकी? आइए। बस कुछ ना ही पूछो तो अच्छा है। काफी कुछ बीता है उन पर भी। इनफैक्ट वही आपको सब कुछ बता सकती थी, यहाँ आने की जरूरत ही नहीं पड़ती आपको। काफी वक्त से मिली भी नहीं हूँ मैं उनसे, समीर की वजह से कहाँ निकल पाती हूँ घर से। बैठिए। अब उनकी कुछ ऐसी हालत नहीं है कि वो बता सके कुछ। आई अंडरस्टैंड। कुछ लेंगी आप? नहीं नहीं नहीं, कुछ नहीं चाहिए, कुछ नहीं। अगर मुझे कुछ चाहिए होगा तो मैं किचन से खुद ले लूंगी। जरूर। समझ नहीं आता कहाँ से शुरू करो। शुरू से मुझे वो सब कुछ जानना है जो आज से पहले आपने कभी किसी को नहीं बताया। आपकी एक एक बात, आपका एक एक अल्फाज। बोल। क्या हुआ आयशा जी? आयशा जी, आप अपने कमरे में अकेले कुछ काम कर रही हैं और अचानक आपको महसूस हो कि आपके अलावा उस कमरे में और भी कोई है जो आपको देख रहा है, आप क्या करेंगे आयशा जी? आपका मतलब है आपके और मेरे अलावा और भी कोई है इस कमरे में जो हमें देख रहा है? सर फिरा इश्क, सर फिरा सर फिरा इश्क।
इश्क सर फिरा सर फिरा। सजाया बस तुझे सोचता हूँ दर बदर ढूंढता हूँ मुझ में यूं इश्क तेरा है आके बसा है मजा या सजा है कुछ नहीं सूझता है ये जी से हो गया इश्क सर फिरा सर फिरा 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 इश्क सर फिरा सर फिरा। सो मेरे हैंडसम सीबीआई ऑफिसर बहुत रोमांटिक मूड में थे आज। आयशा क्या हुआ? समीर देखा तुमने? वहां कोई था? क्या क्या बकवास कर रही हो? वाकई समीर मैंने देखा वहां पे कोई था। आयशु मां कसम तुम्हें दिमागी वहम है, दिमागी फितूर है। एक काम करो, चुपचाप आराम से सो जाओ, सुबह परवीन आपा आने वाली है। अम्मी ने घर संभालने के लिए भेजा है, सो जाओ सो जाओ। आयशु सो जाओ। समीर सर ये केस कुछ ज्यादा ही कॉम्प्लिकेटेड तो नहीं हो रहा है? इस लड़की को इसके बाप के पास भेज दो, उस लड़के को गोली मार दो। आप लोग कुछ भी बोलो यार, मुझे बड़ा अफसोस हो रहा है इस लड़की पर। हाँ साले, और एक हॉट माल दुनिया से कम हो गई, राइट? जले पर पेट्रोल मत गिराओ यार, क्या हुआ होगा इस बेचारी के साथ में? ऐसे कैसे कोई लड़का इतनी अच्छी दिखने वाली माल का मर्डर कर सकता है? तुम दोनों रिश्वतखोरों को अभी भी ऐसा लगता है कि इस लड़की के बॉयफ्रेंड ने इसे मारा है? तू बता बे कमीने, अगर ऐसी तेरी आइटम हो तो बता, तू क्या उसे जान से मारेगा? हुँ? वो भी उसकी बिना लिए? What? Was she a virgin? आपने रिपोर्ट नहीं पढ़ा? गौर से देखो इस लड़की की लाश को, ऐसा लगता है इसकी लाश चिल्ला चिल्ला कर कह रही हो कि मामला कुछ और है। अपना टारगेट इसका बॉयफ्रेंड नहीं। बताओ यार, और खामखा रात भर मैंने लॉकअप में इसके बॉयफ्रेंड को धो दिया। एक काम करते हैं, इस लड़की के बाप को उठाते हैं।
अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। बोलो परवीन, आप आ गई? हाँ परवीन, आप आ गई। तुम कब आ रहे हो? मैं आज शाम को जल्दी आ रहा हूँ, मेरा काम यहाँ खत्म हो गया है। परवीन आपा को बोलो मुझे दाल गोश्त खाना है। ठीक है। ये लो और लो ना। कैसा बना है दाल गोश्त? कमाल है परवीन आपा, आपके दाल गोश्त का कोई कंपैरिजन ही नहीं है। सच? माइक लाके दो। पूरे मोहल्ले को बता दो ना। शी इज जेलस ना। दो पासपोर्ट साइज फोटो आपकी। क्यों? जायदाद आपके नाम करने वाले हैं। प्रॉपर्टी पेपर्स पे लगेंगी ना तस्वीरें आपकी। क्या बोलती है तू? समीर तुम्हें लगता है तुमको परवीन आपा को इतनी दूर बुलाना चाहिए था? हमारी देखभाल के लिए जरूरत थी क्या? बेवकूफों वाली बातें मत करो। इट वॉजंट मी, ये मैं नहीं चाहता था। अम्मी अब्बू चाहते थे कि परवीन आपा हमारे साथ यहां आके रहे। एक तो मेरी पोस्टिंग इस इलाके में हुई है, ये तो अल्लाह का शुक्र है कि ये घर हमारा है। अब्बा ने ये घर खरीद कर एक ब्लाइंड इन्वेस्टमेंट की थी। मैं मानता हूं कि ये घर शहर से बहुत दूर है, मगर है तो अपना। सीबीआई ऑफिसर मिस्टर समीर खान साहब, ये घर है ना, वैसे भी ब्लाइंड इन्वेस्टमेंट ही है, शायद ही कोई इतनी दूर आके इसे खरीदना चाहेगा। मैं तुमको असली बात बताता हूं। जो मैं चाह रहा था कि तुमको ना बताऊं, इट वॉज मी। मैं चाहता था कि हम दोनों अम्मी अब्बू से अलग होकर यहां रहे कुछ वक्त के लिए। मैंने ही अपनी पोस्टिंग जानबूझकर इस इलाके में करवाई। नाउ व्हाट? आई लव यू। क्यों समीर ने ऐसा क्यों किया? आप लोगों का सिटी में इतना अच्छा घर है, आप लोग शहर से दूर यहां पर आकर क्यों रहने लग गए? दरअसल मेरा मतलब हमारी बेटी का इंतकाल हो चुका था। वी हैड अ डॉटर अदा। ओह आई एम सॉरी। इट्स ओके। अदा के जाने के बाद मैं टूट सी गई थी, मेंटली और फिजिकली भी। समीर ने भी नए केसेस लेने बंद कर दिए थे और उनके सारे केसेस दूसरे ऑफिसर्स को मिलने लगे, क्योंकि वो मुझ पे कुछ ज्यादा ही ध्यान देने लगे। घर पर भी मेरे और मेरे सास ससुर के बीच एक खटास सी पैदा होने लगी। तभी समीर ने अपने इलाके की पोस्टिंग यहां पर करवा ली। ये भी हमारा ही घर है। वो अलग बात है कि हम इसे पिकनिक स्पॉट की तरह यूज किया करते थे। ओह दैट वे। पर मुझे बहुत बार महसूस हुआ है कि ये घर मुझसे बात करने की कोशिश करता है। कोई एक ऐसा राज है जो ये मुझे बताना चाहता है। समीर क्या हुआ आयशु? समीर मुझे लगता घर में कोई है, मुझे अजीब अजीब आवाजें सुनाई दे रही हैं, कभी दरवाजा खुलने की कभी किसी के चलने की। उठो समीर प्लीज उठो। सो जाओ आयशा,
हवा से दरवाजा खुल गया होगा। हो सकता है परवीन आ पाओ। कौन है? या सर जलालुल वलकराम। कौन है? कौन है? मेरी जान निकाल दी तुमने समीर। तुम क्या रात के वक्त घर का जायजा ले रही हो हम पुलिस वालों की तरह? ये तो हमारा काम है। चलो हटो, पानी पीना है। रात में भूत बनकर घूमती हो घर में, शर्म नहीं आती? What the What the hell is happening here, समीर? ये परवीन आपा के पैरों के निशान तो नहीं हो सकते? परवीन आपा, परवीन आपा, क्या हुआ बेटा? आप किचन में आए थे भी थोड़ी देर पहले। नहीं तो मैं तो तहज्जुद की नमाज अदा कर रही थी। क्या बात है, तुम लोग इतना घबराए हुए क्यों हो? परवीन आपा, जमीन पर देखिए। या अल्लाह, ये सब क्या है? अल्लाह, ये सब खून भरे पैरों के निशान किसके हैं? अल्लाह, समीर, आयशा, देखो देखो, ये निशान तो वहां तक जा रहे हैं। किसके निशान है ये? या अल्लाह, कमाल है, आधी रात को बड़ी ही आसानी से कोई घर के अंदर घुसकर किचन तक जाकर वापस चला जाता है, और हम तीन तीन लोग घर में रहते हुए भी किसी को खबर ही नहीं है। वाओ, ये सब अल्लाह।
क्या हुआ? सुसाइड करने निकली हो क्या? नहीं समीर, एक बंदा यहाँ पर खड़ा हमारे घर को घूर घूर कर देख रहा था। जाहिर बात है, ये घर कब से बंद पड़ा है? आसपास वाले होंगे, देख रहे होंगे कौन आया। अच्छा, बाय द वे, दिस इज अनूप। नमस्ते मैम। कांस्टेबल अनूप, इसकी ड्यूटी इधर 24/7 है। चलो। यार, हाँ, तूने मुझे जिस तरह की बातें बताई है, मुझे तो ये घर कोई भूत बंगले से कम साउंड नहीं कर रहा है। आयशा बेटा, तुम दोनों के लिए खाना लगा दूं? अरे नहीं आंटी, आज नहीं, मुझे घर पहुंचते पहुंचते 2 घंटे लग जाएंगे यहाँ से। इसीलिए तो कह रही हूँ खाना खा के जाओ, है ना? प्लीज, फिर कभी। रहने दीजिए परवीन आपा, वैसे भी इसे आज जाके वक्त मिला यहाँ आने का। किताबें लिखने से फुर्सत मिले तभी तो। यार, तुझे पता है ना, मेरी पिछली वाली नॉवल चली नहीं है, ये वाली नॉवल मैं जल्दी से फिनिश करके पब्लिश करवा देना चाहती हूँ, और अभी सीजन भी तो चल रहा है। एक बात बता, तू एडॉप्शन के बारे में कुछ बोल रही थी ना फोन पे, क्या हुआ उसका? कुछ बात आगे बढ़ी? आर यू सीरियस? यस वी आर। ओके। और समीर भी काफी जोर दे रहे हैं कि हमें अडॉप्ट कर लेना चाहिए। ओह, ये तो बहुत ही पुण्य का काम है। आई थिंक तुझे समीर की बात मान लेनी चाहिए। और वैसे भी देख, डोंट माइंड, बट समीर भी अच्छी तरह से जानते हैं कि तू अब माँ नहीं बन सकती है। आई थिंक यू शुड डू इट, गो अहेड। इवन आई एम थिंकिंग अबाउट इट। कल डॉक्टर के पास जा रहे हैं हम। लेट्स गो अडॉप्शन के लिए। वाओ, गुड न्यूज, तो चिल मार। मैं कबूल करता हूं सर, मेरी लड़की को मैंने ही मारा है। क्या करता, वो लड़का भी तो अपनी जात बिरादरी का नहीं था, क्या करूं? मेरे भाई की कुर्सी भी मुझे ही बचानी थी। राजनीति में तो ये सब चलता ही रहता है सर, आपको ये सब बताने की जरूरत तो है नहीं। एक बात बोलूं, आप कितना लोगे? चलो तुम ही बता दो चंद्रप्रकाश, अपनी बेटी के ऑनर किलिंग की तुमने क्या कीमत लगाई? मैं भी तो देखूं एक पॉलिटिशियन ऑनर किलिंग की कितनी कीमत दे सकता है। साहब, बाजार लगा है, किसी का दाम कम, किसी का दाम ज्यादा। आप बोलो, आप कितना लोगे? जिनके घरों में बेटियां नहीं होती उनसे जाके पूछ, बेटियों की क्या कीमत होती है? तू क्या समझता है, तूने अपनी बेटी को मार दिया, तू पकड़ा गया और कहानी खत्म हो गई? कहानी तो अब शुरू हुई है, तेरी बेटी का खून घूम कर दोबारा तेरे पास आएगा, तू रोएगा, चीखेगा, चिल्लाएगा, मगर कुछ नहीं कर पाएगा। साहब, आप एक बार घर पे तो पहुंचो, उसके बाद पता चलेगा कि चंद्रप्रकाश की क्या ताकत है।
ऑनर किलिंग की इस घटना के चलते सिर्फ कर्नाटक में ही नहीं बल्कि पूरे देश में आंदोलन शुरू हो गया है। लोग प्लाकार्ड्स लेकर एक बार फिर सड़कों पर प्रदर्शन करते दिखाई दे रहे हैं। कैमरामैन जय सुरेश के साथ मैं अलका सक्सेना, 24 आवर्स न्यूज टेलीविजन। बच्चा गोद लेना एक बहुत ही पुण्य का कार्य है। बच्चों के साथ साथ हमें भी बच्चा बनना पड़ता है। मैं बहुत खुश हूं तुम दोनों के इस फैसले से। और सुनाओ समीर जी, उस केस का क्या हुआ? जैसे मेरा शक था, ऑनर किलिंग। बाप ने ही अपनी बेटी का कत्ल कर दिया। इट्स अ सिक फॉल आउट देयर। अपनी औलाद तक को नहीं छोड़ते ये लोग, और हम बच्चे के लिए तरस रहे हैं। क्या हो रहा है ये समाज में? आर वी ह्यूमंस? एक्सक्यूज मी प्लीज। बेचारी, मुझे तुम दोनों का सोच के बहुत अफसोस होता है। इसीलिए मैं अपने केस उसके सामने डिस्कस नहीं करता हूं। मैं आपकी हिम्मत की दाद देती हूं समीर जी। अगर आप इसको नहीं संभालते तो इस बेचारी का क्या होता? शुक्रिया। माशाल्लाह, आप तो बहुत ही क्यूट हैं। पता है आपकी जैसे प्यारी सी दिखने वाली परी की आंखों में आंसू अच्छे नहीं लगते। चलो पूछो इसे जल्दी। नहीं पूछना, सब लोग मुझे मारते हैं। कौन मारता है आपको? मुझे बताओ, मैं अभी उनकी टांगे तोड़ती हूँ। आज आप उनकी टांगे तोड़ेंगे, वो कल फिर से मुझे मारेंगे, तो कल मैं क्या करूँ? पॉइंट तो है आपकी बात में। एक काम करें, हम दोनों भाग चलते हैं। कहाँ? मेरे घर। और कहाँ? आपके घर में टीवी है, बहुत बड़ा वाला, और उसके साथ बहुत सारी गेम्स भी हैं। पर पहले आपको अपना नाम बताना होगा। मेरा नाम मुन्नी है, और आपका नाम? आयशा। मुन्नी, मुन्नी रुको, मुन्नी। समीर, अरे तुम यहाँ हो? मैंने कहाँ कहाँ नहीं ढूंढा तुम्हें। अरे वो बच्ची मुन्नी। चलो अभी फिलहाल ललिता को किसी काम से जाना पड़ गया। What? उसने फाइल दी हुई है। सारे बच्चों की फोटोज उसी फाइल में है। We will go through it in the night. चलो। Okay. क्या सोच रही हो? क्या हुआ आयशु, तुम इतनी खामोश क्यों हो? कहीं मैं तुम पर एडॉप्शन का फैसला थोप तो नहीं रहा हूं? आई मीन इफ यू वॉन्ट वी कैन बैक आउट। बोलो आयशु। हम मुन्नी को गोद लेंगे समीर। कौन मुन्नी? वो लड़की जो बाहर पार्क में बैठे रो रही थी, जिससे मैंने बातें की।
समीर उसके अंदर मुझे अपनी अदा की झलक दिखाई दी। आई फील कनेक्टेड टू हर। हम उसी को गोद लेंगे। हाउ ओल्ड इज शी? आई थिंक 9 या 10 साल। व्हाट? 9 या 10 साल? तुमको मालूम है 9 या 10 साल का मतलब क्या होता है? 9 या 10 साल की बच्ची मतलब बहुत बड़ी बच्ची। अब मुझे बताओ हम कैसे एडजस्ट करेंगे, और हमारी प्राइवेसी का क्या, और मैं अम्मी अब्बू को कैसे समझाऊंगा? पता नहीं कौन होगी, क्या टीचिंग्स होंगी उसकी। 9-10 साल की बच्ची का मतलब आयुषु बहुत बड़ी बच्ची, बहुत बड़ी। वो 9 या 10 साल की बच्ची है, तुम नहीं। समझ गई ना? ग्रो अप, दिस इज नॉट हैपनिंग। आयशा, आयशा, आयशा बेटा खाना खा लो। मुझे भूख नहीं है आप वापस ले जाओ खाना। आयशा क्या हो गया है तुम्हें? समीर से कोई झगड़ा हुआ है क्या? अगर झगड़ा भी हुआ है ना तो खाने पे नाराजगी नहीं उतारते, अल्लाह नाराज हो जाता है। चलो उठो बेटा, नाराजगी नहीं, मुझे नहीं खाना। आयशा थोड़ा सा खा लो ना। जैसे आंचल उड़ा यूं लगे जैसे बादल चला, तूने जो मुस्कान है दिया महकी है ये सारी फिजा। हवा में जैसे आंचल उड़ा यूं लगे जैसे बादल चला, तूने जो मुस्कान है दिया महकी है ये सारी फिजा। मेरे तेरे प्यार में झूमे हंसी वादियां, थम जाएंगी जाने जाना कितनी भी है आंधियां। मेरे तेरे प्यार में झूमे हंसी वादियां, थम जाएंगी जाने जाना जितनी भी है आंधियां। हवा में जैसे आंचल उड़ा से तुम कैसे मनाए तुम्हें, देखो ना हमको यूं दिल से बुलाए तुम्हें। रूठो ना हमसे तुम कैसे मनाए तुम्हें, देखो ना हमको यूं दिल से बुलाए तुम्हें। मेरी आंखों में देख लो चेहरा सजा है तेरा, तेरी बातों को जान लो नाम छुपा है तेरा। हवा में जैसे आंचल उड़ा यूं लगे जैसे बादल चला, तूने जो मुस्कान है दिया महकी है ये सारी फिजा। हवा में जैसे आंचल उड़ा यूं लगे जैसे बादल चला, तूने जो मुस्कान है दिया महकी है ये सारी फिजा। मेरे तेरे प्यार में झूमे हंसी वादियां, थम जाएंगी जाने जाना जितनी भी है आंधियां। मेरे तेरे प्यार में झूमे हंसी वादियां, थम जाएंगी जाने जाना जितनी भी है आंधियां। हवा में जैसे आंचल उड़ा।
अरे आओ आयशा, आयशा जल्दी आओ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आजा बच्चे अंदर। माशाल्लाह, ये तो बड़ी खूबसूरत लड़की है। मगर आयशा, आप लोग तो एक छोटी लड़की लेने गए थे ना? माशाल्लाह, ये तो बहुत बड़ी है। चलो मुन्ने बेटा, आपका रूम दिखाएंगे आपको। माफ करना, मुझे ऐसा नहीं कहना चाहिए था। कोई बात नहीं परवीन आपा, इट्स ओके। अनूप, लगेज। और ये रहा आपका बेडरूम। कैसा लगा? ये आपका बेड, वो आपके टॉयज, वहां पे आपका बाथरूम, और ये आपकी कबर्ड। ये कैसे खुल गया? जादू? इतनी तेज हवा है तो खुलेगा ही ना। यस, राइट। अच्छा बच्चा मुन्नी, नीचे परवीन आपा ने जो भी बोला उसका बुरा मत मानना प्लीज। उनकी उम्र हो गई है ना, ठीक है? आई नो, वैसे भी उनकी उम्र है सटियाने की, और कितने दिन जिएंगी। हाँ, बदतमीज लड़की, ऐसी बातें नहीं करते हैं, वो आपसे बड़े हैं ना। चलो आप यहाँ पे रेस्ट करो, मैं नीचे जाके वापस आपके पास आती हूँ। ओके, ठीक है। तुम्हें नहीं लगता परवीन आपा कुछ ज्यादा ही क्रिबिंग होती जा रही है आजकल? कब कहाँ क्या बोलना है नॉल? आयशु, वो बेचारी पढ़ी लिखी कहाँ है हमारी तरह, हो जाती है जुबान स्लिप। That's not fair ना। I don't want to discuss any more about this topic. तो सीबी ऑफिसर साहब को क्या डिस्कस करना है? यार मैंने अपने अम्मी और अब्बू से लड़ झगड़ कर मुन्नी को तुम्हारे हवाले किया। रिश्वत तो बनती है ना। रातें हैं, कुछ बातें हैं, तन्हाई है, तेरी यादें हैं। ये परवीन आपा भी ना कितनी रात को टेलीविजन देख रही हैं, आवाज सुनिए कितनी जोर से है,
बाहर में जाए परवीन आपा। Are you nuts? टाइम देखो कितनी रात हो गई है, मैं अभी देख के आती हूँ। टाइम देखो। मुन्नी बच्चा, आप टीवी देख रहे हो इतनी रात को? टीवी पे तो कुछ भी नहीं आ रहा। आ तो रहा है, जो हम लोग देख सकते वो आप नहीं देख सकते। जो हम लोग देख सकते हैं आप नहीं। अच्छा ठीक है ठीक है, रात बहुत हो गई है, चलो अपने रूम में चलो। उठो। अरे तुम यहाँ क्या कर रही हो मुन्नी? बोर हो रही थी इसलिए यहाँ आ गई। यार समीर भी कल तक आ जाएंगे तो यही रुक जाना, शाम भी कितनी हो गई है यार। चल ये भी ठीक है, तेरी नाइट ड्रेस पहन लूंगी और क्या। हाँ बस यही काम रह गए। मुन्नी बेटा, बेटा देखो श्वेता आंटी आई है। हेलो मुन्नी। हाँ लगता है मैडम का मूड ठीक नहीं है। बच्चे भी ना। एक काम करती हूँ, उसके कमरे में जाकर हाँ। मिलकर आती हूँ, तू रुक। May I come in? Finally someone with manners. और क्यों ना हो? श्वेता आंटी राइटर जो है। Oh, wow! I must say you're a very intelligent girl. बहुत ही खुश हुई आपसे मिलके बेटे। इस बार वाली नवल जो आप लिख रहे हो, that is very interesting, no? अब ये थोड़ी ज्यादा फ्लैटर नहीं हो गई? मेरी नॉवल तो अभी तक मेरे घर वालों ने भी नहीं पढ़ी है, और अभी तो फाइनल चैप्टर बाकी है मुन्नी मैडम। एक मिनट, तुम्हें कैसे पता मेरी नॉवेल इंटरेस्टिंग है? मुझे तो ये भी पता है कि आप अपने नॉवेल के लास्ट चैप्टर में कहाँ फंसे हो। व्हाट? आपको उस बदतमीज लड़के का एंड नहीं मिल रहा है ना? उस बदतमीज लड़के को कोई नहीं मार सकता ना? मैं बताऊं वो बदतमीज लड़का कैसे मरेगा? राइटर श्वेता खत्री, आप शायद ये भूल गई कि मेरे पापा कार में गन छुपा के रखते थे। मैं वो गन लूंगा और सुसाइड करूंगा। ओह माय गॉड।
हाँ श्वेता, क्या हुआ? अरे क्या 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 हुआ, कुछ बताओगी? क्या हाँ क्या हुआ, क्या ऊपर क्या ऊपर क्या, अरे क्या हुआ? अरे श्वेता मुझे जाने दो, सुनो मेरी बात तो सुनो श्वेता, हुआ क्या है श्वेता? आयशा रुको, मुझे तुमसे बात करनी है मुन्नी के बारे में। आपा एक मिनट। आयशा आयशा कच्चा चिकन क्यों खा रहे हो? हमारी भूख कच्चे मांस से ही खत्म होती है। हमारी भूख तुमने कहा था ना कि तुम्हारा छोटा भाई कच्ची मछलियां खाता है। जी अब पता चला मैंने तुम्हें अंदर क्यों आने दिया। एक बात बताओ नताशा, तुम आज के जमाने की एक पढ़ी लिखी जर्नलिस्ट, क्या तुम शैतान में यकीन रखती हो? क्योंकि तुम शैतान में यकीन रखो या ना रखो, शैतान तुम पर यकीन रखता है। इसका मतलब तो साफ है कि मुनि पोजेस थी, उसमें उसमें भूत था। जी हाँ, यस। हमारे मजहब में इसे चिन्नात कहते हैं। मगर शायद अभी भी इसे मानने के लिए तैयार नहीं थी। बताओ आगे क्या हुआ? हेलो हेलो समीर, समीर कहाँ हो तुम? क्या हुआ, तुम इतनी घबराई हुई क्यों? समीर तुम प्लीज जल्दी आ जाओ, आई नीड टू टॉक टू यू, वेरी इंपॉर्टेंट। देखो मैंने यही बताने के लिए तुमको फोन किया है। मेरा काम यहाँ खत्म हो गया है। I'm scared, समीर। श्वेता रुक रही है ना तुम्हारे पास? श्वेता हैज गॉन समीर, मुझे तुमसे बहुत जरूरी बात करनी है, प्लीज जल्दी आ जाओ। ओके ओके काम डाउन, एक काम करो, जब तक मैं नहीं पहुंचता तब तक तुम अपने कमरे में जाओ और आराम करो, एंड डोंट वरी मैं जल्द से जल्द पहुंच जाऊंगा। ऐसा हमारे मजहब में कहा जाता है मुन्नी के मगरिब मतलब सूरज ढलने के बाद सोच समझकर घर से बाहर निकला जाता है, क्योंकि उस वक्त शैतानी ताकतें
अपना काम करना शुरू कर देती है। मुन्नी, जिस तरह से हम अपने फोन की बैटरी रिचार्ज करते हैं नताशा, उसी तरह शैतान भी रिचार्ज होने लग जाते हैं। उस वक्त भी मगरिब का वक्त था, हवाएं चल रही थी, मुन्नी मुन्नी अपने कमरे में नहीं थी। उस वक्त मैंने वो देखा मुन्नी, जो शायद मुझे नहीं देखना चाहिए था, या शायद जो मुझे बहुत पहले देख लेना चाहिए था। मुन्नी, नीचे कैसे आई? मुन्ने, घूर घूर कर क्या देख रही हो? तुम बोलती क्यों नहीं? ऊपर से नीचे कैसे आई? क्या खेल खेल रही हो मुन्नी? क्या है ये सब? घूर घूर कर क्या देख रही हो? जवाब क्यों नहीं देती? ऊपर से नीचे कैसे आई तुम? क्या हुआ? क्यों चिल्ला रही हो? नीचे मुन्नी। क्या हुआ मेरी जान? मुन्नी शैतान है। समीर वहां। बैठो। हाँ। बैठो। ओ। लेट जाओ, हम सुबह बात करेंगे। हाँ? ओके। सो जाओ। आई लव यू समीर। चुप सारी। चुपचाप सो क्यों नहीं जाती? समीर, कब से बोल रहा हूँ सो जाओ सो जाओ, सोती क्यों नहीं? हाँ, क्या सुनाओ तुझे मौत की नींद? सो जा। आयशु, 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 आयशु कहाँ जा रही हो मुझे छोड़ के? मेरा सर फट रहा है समीर, सर चकरा रहा है समीर। ओ समीर, मैं समीर नहीं हूँ कुतिया, मैं परवीन आपा हूँ। वो सही कह रही है, वो परवीन आपा है। समीर तो मैं हूँ, समीर तो मैं हूँ। नहीं मानेगी, नहीं मानेगी, नहीं मानेगी वो, नहीं मानेगी वो। अरे वाह, मेरे चाबी लगाने से पहले ही दरवाजा खोल दिया। क्या हुआ? ये क्या हालत बना रखी है? कोई भूत वूत देख लिया क्या?
तुम या क्या समीर? अरे क्या वो ऊपर आप आ गए? मैं आ गया। चलो मैं पूरी तरह से कंफर्म हो चुकी थी कि मुन्नी के अंदर की शैतानी ताकतें काम करना शुरू कर चुकी थी। शायद समीर को सबसे बड़ा खतरा था। मुझे समीर को मुन्नी से बचाना था किसी भी कीमत पर। हमारे इलाके में आपके धर्म के एक बाबा रहते हैं, बाबा फरीद जी। आप एक बार उनसे मिल लीजिए। जहां पर इंसान की ताकत खत्म हो जाती है वहां भगवान की ताकत शुरू होती है। बच्चे मैं तुम्हारे लिए ताबीज लाई हूँ, ये लो। ये ताबीज तुम्हारी हिफाजत करेगा, इंशाल्लाह सब ठीक हो जाएगा। आपने अल्लाह को बुढ़िया क्या 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 चाहिए तुम्हें? तू उसकी माँ नहीं, तू उसकी आपा है। ताबीज देगी तू? हाँ ताबीज देगी? ताबीज देगी तू? हाँ ताबीज देगी? हाँ ताबीज देगी? समीर उठो, समीर उठो। क्या हुआ आयशु, तुम ठीक हो ना? मुझे नहीं पता इस घर के अंदर क्या हो रहा है। नीचे परवीन आपा और मुन्नी दोनों ही बेहोश पड़े हैं। परवीन आपा के सर से खून निकल रहा है और मुन्नी के नाक से। हमें उन्हें हॉस्पिटल लेके जाना पड़ेगा। समीर जल्दी चलो प्लीज। शिट, तुम यहाँ रुको, मैं देखता हूँ। समीर मैं भी साथ में चलती हूँ ना। नहीं आयशा, तुम घर पर ही रुको, घर पर कोई नहीं है। आई विल टेक केयर, अपना ख्याल रखना। जहां पर इंसान की ताकत खत्म हो जाती है वहां भगवान की ताकत शुरू होती है। जहां पर इंसान की ताकत खत्म हो जाती है वहां भगवान की ताकत शुरू होती है। आप रुकिए, मैं बाबा से बात करता हूं। हवलदार अनूप ने इन मोहतरमा को भेजा है, आइए। अस्सलाम वालेकुम बाबा। वालेकुम अस्सलाम, बैठो। तू हिंदू है या मुसलमान? अल्हम्दुलिल्लाह मुसलमान हूँ बाबा। तेरी जात क्या है? मैं शिया हूँ बाबा। मेरे पास क्यों आई हो? मेरे शौहर समीर खान सुन्नी है बाबा। मेरा परिवार नहीं चाहता था कि मेरा निकाह समीर खान के साथ हो, वो मेरा निकाह एक शिया के साथ करवाना चाहते थे। परिवार के खिलाफ जाकर हम दोनों ने निकाह किया क्योंकि एक दूसरे से मोहब्बत करते थे हम दोनों। उसके बाद हमारी एक औलाद हुई अदा, उसका इंतकाल हो चुका है। बाद में हमने एक बच्ची गोद ली, मुन्नी। बस
मैं समझ गया, तेरे ही घर वालों में से किसी ने इस बच्ची पर काला जादू किया है और इस बच्ची को तुम्हारे जिंदगी में दाखिल किया है। जैसा कि देखा गया है कि काला जादू और सिफली इल्म में ज्यादातर होते हैं, काले जादू के शहंशाह होते हैं, मगर जब अल्लाह ढीली रस्सी को कसता है तो अल्लाह ताला की ताकत की इंतहा नहीं रहती। ये बच्ची अब शैतान बन चुकी है। ये बच्ची जब से मेरी जिंदगी में आई है बाबा, मेरी जिंदगी कहर बन चुकी है, तबाह हो चुकी है मेरी जिंदगी। ये नॉर्मल बच्ची नहीं है बाबा, इस बच्ची में मुझे शैतान नजर आता है। मुझे लगता है कि मुझे और मेरे शौहर को इस बच्ची से बहुत बहुत बड़ा खतरा है। मैं यहाँ एक उम्मीद के साथ आई हूँ बाबा, मेरी मदद करिए। क्या तू इस बच्ची से आजाद होना चाहती है? हाँ बाबा। मार दे इस बच्ची को, खत्म कर दे इस बच्ची को, तभी तुझे इस बच्ची से आजादी मिलेगी, नहीं तो तू खत्म हो जाएगी, सब कुछ खत्म हो जाएगा। कौम को खत्म कर दिया तो हम और तुम क्या चीज हैं? हाँ समीर। Where the fuck are you? मैंने बोला था ना कहीं बाहर मत निकलना, मुझे तुम्हारी जरूरत पड़ सकती है। समीर, परवीन आपा कैसी हैं? और मुन्नी कहाँ है? परवीन आपा की हालत बहुत खराब है, उन्हें एडमिट किया गया है। मुन्नी को भी एक दिन के लिए ऑब्जर्वेशन में रखना पड़ेगा। तुम जल्दी से जल्दी घर पहुंचो। ठीक है। हेलो, कीप एवरीथिंग रेडी। क्या हुआ मैडम, किसको ढूंढ रहे हो आप? मेरे पति मेरे बच्ची को लेकर आए हैं, 10 साल की बच्ची है वो, उसके नाक से खून निकल रहा है, उसे यहाँ एडमिट किया गया है। कहाँ है वो, कौन से वार्ड में है? सॉरी मैडम, यहाँ पे तो ऐसा कोई नहीं आया है। नहीं, मेरी बच्ची के साथ मेरी मेड भी है परवीन आपा, उन्हें भी चोट लगी है, वो दोनों एक साथ है। नहीं मैडम, यहाँ पे तो कोई नहीं आया। पर मेरे हस्बैंड ने यही हॉस्पिटल बताया था। आप अपने हस्बैंड को कॉल करके पूछ लीजिए मैडम। पर समीर मुझसे झूठ क्यों बोलेंगे? जी हाँ, हम लोग सब समीर सर के घर के पास हैं। आप लोगों को इतना टाइम क्यों लग रहा है एम्बुलेंस भेजने में? ओके, वी आर वेटिंग। क्या हुआ समीर, क्या हो रहा है ये सब? मैंने मार दिया उस शैतान की बच्ची मुन्नी को, मार दिया मैंने। क्या? वो नॉर्मल बच्ची नहीं थी आयशा, उस पर किसी जिन का साया था। मैं यहाँ पर इन सब के सामने ऐसी बातें शायद नहीं कर सकता, मगर ये सच है, उसने मेरी जान लेने की कोशिश की। हाँ? उसी ने परवीन आपा पर हमला किया, जिसकी वजह से परवीन आपा का दिमागी संतुलन बिगड़ गया और वो पागल हो गई। जब तुम्हारा फोन रखा, मुन्नी मेरे पीछे ही खड़ी थी। She tried to kill me। मुझे मारने के बाद वो शायद तुम्हें भी जान से मार देती। ओ समीर, मैं तुम्हें यही तो बताना चाहती थी, यही तुम्हें समझाना चाहती थी मैं। डोंट वरी समीर, हम लोग इस केस को सेल्फ डिफेंस का केस बनवाकर इस फाइल को बंद करवा देंगे। एक काम करते हैं आयशा,
लेट्स चेक इन टू सम होटल। आज रात हम इस घर में नहीं रुकते और मैं नहीं चाहता कि तुम मुन्नी की लाश को देखो। लेट देम क्लीन अप दिस मेस, लेट्स गो। समझ में नहीं आता कि हमारी कहां गलती हो गई। क्या हमारी ये गलती थी कि हम बेऔलाद थे, या हमने एक 9 साल की बच्ची को गोद लिया, या मुन्नी को गोद लेते वक्त हमने उसका अगला पिछला नहीं देखा। बहुत ही अच्छी कहानी है आयशा। कहानी? ये कहानी लगती है आपको? ये वो कड़वी सच्चाई है जो हम पर बीती है। कड़वी सच्चाई? बहुत ही मसालेदार और मजेदार कहानी है। मजेदार और मसालेदार कहानी? आ गई ना तुम अपनी जर्नलिस्ट वाली औकात पर। क्या कहा था मैंने घर में घुसाने से पहले कि तुम न्यूज़पेपर वाले लोग पहले तो किसी का दुख बहुत ही मजे लेकर सुनते हो और फिर उसी दुख को अपनी न्यूज बनाकर बेचने के लिए उसका मजाक बनाकर रख देते हो। आई वॉज राइट। क्या तुम्हें अब भी ऐसा लगता है कि मैं जर्नलिस्ट हूं? आयशा, तुम मेरे छोटे भाई की कहानी को इतना सीरियसली ले रही हो? आयशा, मैं कोई जर्नलिस्ट नहीं हूं। आई एम अ साइकेट्रिस्ट। आयशा, कोई मुन्नी नहीं है, कोई मुन्नी नहीं है। मुन्नी तुम्हारे अंदर मौजूद है आयशा। प्रॉब्लम मुन्नी में नहीं है आयशा, प्रॉब्लम तुम में है, तुम में। शैतान मुन्नी में नहीं है आयशा, शैतान तुम्हारे अंदर है। शैतान तुम में है या ज़ल्ज़लालुल वलिकराम। बोल तुझ में है या ज़ल्ज़लालुल वलिकराम। बोल तुझ में है या ज़ल्ज़लालुल वलिकराम। या ज़ल्ज़लालुल वलिकराम। या ज़ल्ज़लालुल वलिकराम। या ज़ल्ज़लालुल वलिकराम। हट। ए ए रुक जाओ भाई, बीच में मत आ। अनाथ आश्रम में कोई मुन्नी नाम की बच्ची कभी थी ही नहीं। आयशा, मुन्नी तुम्हारे दिमाग के अंदर है, तुम्हारे दिमाग के अंदर। और ये रहा आपका बेडरूम, ये आपका बेड, ये आपके टॉयज, वो आपका बाथरूम। नहीं, मैं नहीं मान सकती है। शैतान था मुन्नी के अंदर। नहीं, शैतान तुम्हारे अंदर है आयशा। गौर से देखो अपने पति की तरफ, उसने तुम्हें ठीक करने के लिए अपनी क्या हालत बना रखी है। तुम्हारे सास और ससुर को भी पता था आयशा कि तुम्हारे अंदर एक जिन है। तुम्हारे सास ससुर ने समीर को बहुत समझाया कि तुम्हें तलाक दे दे, लेकिन तुम्हारे पति ने तुम्हारे साथ जीना और तुम्हें ठीक करना ज्यादा जरूरी समझा। ये अपने माँ बाप से लड़ गया और यहाँ तक कि अपनी नौकरी भी गवा बैठा। और तुम्हें अपने माँ बाप से दूर यहाँ यहाँ पर ले आया। और तुम इस बेचारे के साथ ये कर रही हो आयशा?
चुप 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 साले दो पैसे की वेश्या। उसके साथ सोने का प्लान बना रखा था तूने। या सल जलाल वाले काम। तुम्हारे अंदर के बदलते हुए रवैये को तुम्हारे सास ससुर के अलावा परवीन आपा ने भी देखा था। परवीन आपा ने तो यहाँ तक देखा कि तुम कच्चा चिकन खा रही थी। आयशा, आयशा, ये कच्चा चिकन क्यों खा रही हो? हम लोगों की भूख कच्चा मांस खाकर मिटती है। नहीं नहीं नहीं, आपा ने तुम्हें कच्चा मांस खाते हुए देखा। नहीं नहीं नहीं, मुन्नी ने मारा था परवीन आपा को। जा 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 जा। आयशा, परवीन आपा को मुन्नी ने नहीं, तुमने मारकर जख्मी किया था। आयशा, कर लिया अपने अल्लाह को याद बुढ़िया? नहीं। तावीज देगी? नहीं। देगी तावीज? नहीं। देगी तावीज? नहीं, नहीं। तावीज देगी तो? नहीं। देगी तावीज? देगी तावीज? तावीज देगी? तावीज देगी? दे, दे तावीज, दिखा तावीज देके। तुम बड़े आराम से समीर के पास गई और उसको कहा कि परवीन आपा और मुन्नी बेहोश हो गई हैं। मुझे नहीं पता इस घर के अंदर क्या हो रहा है। नीचे परवीन आपा और मुन्नी दोनों ही बेहोश पड़े हैं। परवीन आपा के सर से खून निकल रहा है और मुन्नी के नाक से। बता कौन है तू? क्यों नहीं छोड़ता इस औरत को? बता, कब आजाद करेगा तू इस औरत को? बता। या जल जलालुल वलिक्राम, या जल जलालुल वलिक्राम। मैं इससे प्यार करता था मगर ये समीर से प्यार करती थी। आयशा शिया मुसलमान है और मैं भी, मैं उसका कजन हूँ। ये बीच में आ गया ये सुन्नी काई का। हम लोग अपनी बेटियां बाहर नहीं देते। मैंने काला जादू करवाया इस पे, इस आयशा पे, ताकि ये समीर के साथ भी कभी खुश ना रह सके। आयशा के वालिद नहीं चाहते थे कि इसका निकाह इसके साथ हो, मगर ये दो प्यार करने लगे। प्यार लैला मजनू की औलाद साले। नहीं जा रहा मैं, इसे नहीं छोड़ूंगा, आयशा को नहीं छोड़ूंगा मैं। लगा जोर, निकाल मुझे, लगा जोर। अब तक तुमने जो कुछ भी मेरे लिए किया है उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। मैं तुमसे प्यार करती थी समीर, तुम्हारे अलावा मैंने कभी कुछ नहीं सोचा, मगर हमेशा तुमने इस लड़की के बारे में सोचा, इस लड़की को चुना। अब मैं तुम्हें महान कहूं या बेवकूफ,
मैं जितनी तुम्हारी मदद कर सकती थी मैंने की। आइंदा मेरी जब भी मदद की जरूरत पड़े आई विल बी ऑलवेज देयर फॉर यू। समीर अपना ख्याल रखना, ठीक है। ये सब कुछ इलाज हो रहा था, आयशा का इलाज। अब तक जो कुछ भी आप देख रहे थे वो एक उतारा था जिसे कुछ लोग झाड़ फूंक और बहुत से लोग एग्जॉर्सिज्म भी कहते हैं। आयशा को यकीन दिलाने की कोशिश कि वो पोजेस्ड है और मुन्नी नाम की बच्ची का कोई अस्तित्व ही नहीं है। इस कोशिश में सब शामिल थे, मैं एज अ साइकेट्रिस्ट, समीर खान, परवीन आपा। मगर जब आयशा ने परवीन आपा पर हमला किया उसके बाद परवीन आपा हॉस्पिटलाइज्ड हो गई। मुन्नी को मारना, वो पुलिस ऑफिसर्स, वो केस, ये सब कुछ समीर का ड्रामा था आयशा को यकीन दिलाने के लिए कि मुन्नी को उसने मार दिया। मुझे मेरे दोस्त समीर पर तो अफसोस होता ही है मगर सबसे ज्यादा अफसोस मुझे आयशा पर होता है जिसे पता ही नहीं कि उसके साथ क्या हो रहा है। लोग कहते हैं कि आयशा पर काला जादू करवाया गया है मगर मेरे हिसाब से शी इज सफरिंग फ्रॉम पर्सनैलिटी डिसऑर्डर। सभी के लिए बाबे रहमा, वहाँ कोई रुतबे में अदना ना आली, मुरादों से रा